शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की किस्मत का फैसला आज मुंबई के किला कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने कर दिया है। क्रूज पार्टी में ड्रग्स के मामले को लेकर फंसे आर्यन खान की मुसीबत बढ़ गई है। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन दमेजा की जमानत की अर्जी कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि अब आर्यन के वकील जमानत की याचिका लेकर सेशन कोर्ट जा सकते हैं। आर्यन समेत सभी आरोपियों को ऑदर रोड जेल भेजा दिया गया है। बताया जा रहा है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में आर्यन के वकील सतीश मनो शिंदे ने अंतरिम बेल की अर्जी डाली थी, जिसे नामंजूर कर दिया गया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा है कि उसके पास जमानत की अर्जी देने का हक नहीं है और यह मामला सेशन कोर्ट के लिए है। मुंबई की किला कोर्ट ने आर्यन खान की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि आर्यन की याचिका मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए इसे रिजेक्ट किया जाता है। ऐसे में अब आर्यन खान और अन्य सभी आरोपियों को जेल में आज रहना होगा। बताया जा रहा है कि आर्थर जेल वो जेल है जहां कसब, अबू सलेम, संजय दत्त जैसे लोगों को रखा जा चुका है। आर्थर रोड जेल मुंबई के सबसे बड़ा जेल है और आर्यन खान संग 5 कैदियों को उधर बैरक नंबर 1 में रखा गया है। ये जेल की पहली फ्लोर पर बना एक स्पेशल क्वारंटीन बैरक है। यहाँ 5 दिनों के लिए आर्यन खान और अन्य को क्वारंटीन में रखा जाएगा। किसी को यूनिफॉर्म पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें अन्य कैदियों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। आर्यन और अन्य 5 कैदियों को जेल का ही खाना खाना पड़ेगा। क्वारंटीन में रहते हुए अगर किसी को कोरोना का लक्षण लगते हैं तो उनका टेस्ट किया जाएगा। वैसे आर्यन समेत सभी अन्य को कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आया थी। सभी ने वैक्सीन के दोनों डोज भी लिए हुए, इसलिए उन्हें सिर्फ 5 दिन की क्वारंटीन दिया गया है। आर्यन खान अन्य 8 आरोपियों को साथ जेल पहुंच चुके हैं। पुरुष कैदियों को आदर रोड जेल और महिला कैदियों को बायकुला जेल में भेजा गया है। जेल पहुंचकर आर्यन परेशान हुए थे क्योंकि आदर रोड जेल में कई खूंखार कैदी रहते हैं। आर्यन का वकील सतीश मनो शिंदे का कहना है कि आर्यन खान पर आरोप है, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला है। एनसीबी ने 5 दिन आर्यन को कस्टडी में रखा, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं निकल पाए। उन्होंने कहा कि आर्यन इज्जतदार परिवार से आते हैं, उनका अन्य आरोपियों से कोई नाता नहीं है, ऐसे में उन्हें जेल नहीं होनी चाहिए। आर्यन खान को जेल भेजने पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में हमसे बताइए। और ऐसे ताज़े खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए।